नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, डॉक्टर रघु शर्मा जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, पूर्व चिकित्सा मंत्री जो थे और विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं केकड़ी से, इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत को पत्र लिखते हुए बजट घोषणा 2023-24 की बिंदु संख्या 159 में आरएलएसडीसी बोर्ड के गठन का जो गठन किया जाकर समस्त राजकीय कार्यालयों में ठेका प्रथा बंद करने की घोषणा की गई है, जिसके संबंध में संभागीय अध्यक्ष राजस्थान संयुक्त कर्मचारी एवं मजदूर महासंघ राजस्थान एवं अन्य सभी ठेका एसआई कर्मचारी संगठनों द्वारा मुझे बारंबार ज्ञापन प्रस्तुत कर शीघ्र आरएलएसडीसी बोर्ड का गठन करवाकर समस्त विभागों के जो ठेकाकर्मी हैं एवं अस्थायी कर्मचारी हैं को इस बोर्ड के माध्यम से अडोप्ट किया जाकर नियमित करने का आग्रह किया है। साथ ही इन्होंने अनुरोध किया है कि आप, मेरा अनुरोध है कि आरएलडीसी बोर्ड के गठन की स्वीकृति के आदेश जारी करवाकर समस्त विभागों के प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से नियोजित ठेका संविदा कार्मिक सहित समस्त अस्थायी कार्मिकों को इस बोर्ड के माध्यम से अडोप्ट किया जाकर नियमित करवाने की कार्रवाई करावे। आप देख सकते हैं डॉक्टर रघु शर्मा जो पूर्व है स्वास्थ्य मंत्री हैं, विधानसभा क्षेत्र केकड़ी से जो विधायक हैं, इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखते हुए समस्त जो ठेका कर्मचारी हैं, जो प्लेसमेंट एजेंसी के कार्मिक हैं, जो एसआई कर्मचारी हैं, उनके लिए आरएलएसडीसी बोर्ड के गठन की यहाँ पर मांग की है। इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखते हुए कहा कि बजट घोषणा 2023-24 के बिंदु संख्या 159 में आप द्वारा आरएलएसडीसी बोर्ड के गठन की घोषणा की जाकर समस्त राज्य के जो विद्यालय के जो ठेका कर्मचारी हैं, अस्थायी कर्मचारी हैं, प्लेसमेंट एजेंसी के जो कर्मचारी हैं, इनको इस बोर्ड के माध्यम से लेने की यहां पर घोषणा की थी। अतः इन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इस बोर्ड का गठन किया जाए और समस्त कार्मिकों को इस बोर्ड के माध्यम से लिए लेकर नियमित किया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर रघु शर्मा जो है, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री मोदी को पत्र लिखते हुए मांग की है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।